आपका जो लेक्चर है ये माइक्रोस्कोप के बारे में इसमें बताया गया है। माइक्रोस्कोप के बारे में 9th से लेकर के 12th तक जितनी चीजें दी हुई हैं उसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है वो मैंने इसमें कवर किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में इसमें काफी आ जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप पहले ही बता चुका हूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही लेंस लगा होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें एक ही बड़ा सा लगा होता है जिसको कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो रॉबर्ट हुक ने बनाया था और उसके बाद में उसको और मॉडिफाई किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो जो क्रेडिट जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, वो पहले ही बता चुका हूं, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें टू लेंस यूज होते हैं। एक जहां आंख लगा करके देखते हैं वो आईपीस है, और जहां पर स्लाइड रख करके देखा जाता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ये दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं, इसलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें दो एडजस्टमेंट लगे होते हैं, एक छोटा सा लगा होता है उसको फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं, और एक बड़ा सा लगा होता है जिसको कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। और सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों को लैब माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए लाइट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नीचे की तरफ एक मिरर लगा होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम देख पाते हैं। अगर तेज धूप वाला दिन नहीं है तो लाइट का रिफ्लेक्शन ना होने के कारण इन माइक्रोस्कोप से हो सकता है अच्छा दिखाई भी ना दे। तो अब आगे इसमें देखिए, द कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय जकेरियस जेंसन। तो ये दिया हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जकेरियस जेंसन एंड हांस जेंसन। ये दोनों ब्रदर थे जिन्होंने ही इसको डेवलप किया था। इट हैज टू लेंसेज, पहला मैंने बता दिया जहां आंख लगा करके हम देखते हैं वो आईपीस ऑकुलर कहते हैं, और जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। दे फंक्शन टूगेदर, दोनों साथ साथ वर्क करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप किसने इंट्रोड्यूस किया था, ल्यूवेनहॉक ने ज्यादा डेवलप करके। और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है, मैग्निफिकेशन पावर का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को जितना बड़ा करके दिखा पाता है वो होता है मैग्निफिकेशन पावर। तो कितना था, 270 टाइम्स, ठीक है। तो द कंपाउंड आर लाइट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय जकेरियस जेंसन, जान गए। विल्सन ने भी इसको और मॉडिफाई करने में हेल्प की थी, किया था। तो इसका डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप के। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, नॉल और रस्का ने उसके बारे में बताया था, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके लिए नॉल को नोबेल प्राइज भी मिला था 1932-33 में, ठीक है। इसके बाद में विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम, हम उसको नहीं सही से देख सकते, उसके बारे में नहीं जानकारी पा सकते, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और एक होता है रेजोल्यूशन पावर, एक तो मैग्निफिकेशन पावर जो ऑब्जेक्ट को जितना बड़ा करता है वो हो गया, और दो या तीन कई सारे ऑब्जेक्ट एक साथ रखे हुए हैं उनमें जो डिफरेंशिएशन कराता है वो है रेजोल्यूशन पावर। द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इज टू डेवलप डिफरेंशिएशन बिटवीन द नियरली लोकेटेड पॉइंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन और रिजोल्विंग पावर। तो मैंने मैग्निफिकेशन पावर बता दिया, मैग्निफिकेशन पावर क्या है, जो ऑब्जेक्ट को जितना बड़ा करके दिखाता है। और रेजोल्यूशन पावर क्या है, जो दो या तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो डिफरेंशिएशन करा करके दिखाता है वो होता है रेजोल्यूशन पावर। टर्म माइक्रोस्कोप किसने दिया, फेबर ने दिया था 1625 में। और मैंने बताया था कि राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं, वैसे ये हमें दिखाई नहीं देगा। और एक स्टेन या डाई होता है जिससे हम कलर करके
किसी भी अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को हम देखते हैं, वो हमारा होता है स्टेन या डाई है, तो वो क्या करता है कंट्रास्ट कर देता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, अब और किसने, वान एड्रिने, इन्होंने क्या किया था, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप करी थी इन्होंने, जिससे हमें 3D इमेज मिल पाता है किसी भी सेल ऑर्गेनल का। और ध्यान रखिएगा, इसका मैग्निफिकेशन पावर 2 लाख या इससे भी ज्यादा होता है। जर्निके साइंटिस्ट थे जिन्होंने फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, इससे हम लिविंग सेल को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, उनकी एक्टिविटीज को देख पाते हैं, सेल की मूवमेंट को देख पाते हैं और सेल डिवीजन को देख पाते हैं। हिज ने माइक्रोटोम डेवलप किया था, माइक्रोटोम में ग्लास या डायमंड लगा होता है जो बहुत ही थिन स्लाइस, बहुत ही थिन सेक्शंस काट देता है, वो होता है माइक्रोटोम। हिज डिस्कवर्ड माइक्रोटोम फॉर कटिंग वेरी थिन सेक्शंस यूज्ड ग्लास और डायमंड। मैग्निफिकेशन पावर मैंने आपको बता दिया, द कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्पेसिमेन। क्लियर है, तो ये आप जान गए, ये इसमें इसी के बारे में आपका था जो मैंने आपको बता दिया। और भी जल्दी ही आपको दूसरी और वीडियो लेक्चर जल्दी ही मिलेगी। ओके, तब तक आप इसको